ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 19 अप्रैल 2022 मंगलवार का दिन है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, लेकिन इस दिन चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी होने से गणेश चतुर्थी का महापर्व रहेगा। यानी जो भक्तजन माताएं बहनें प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करते हैं उनको इसी दिन चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी का पर्व इसी दिन रहेगा। चंद्रोदय जो कि रात में 9:42 पर होगा, अनुराधा नामक नक्षत्र होगा तथा वृश्चिक राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 3 बजे से आरंभ होकर के 4:30 बजे तक रहेगा। राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मेष राशि में, वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल ग्रह कुंभ राशि में, बुध ग्रह मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मीन राशि में, शुक्र ग्रह कुंभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मेष में तथा केतु ग्रह तुला राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु एवं कुंभ, ये 6 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति के भी उत्तम अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर के इन 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे विशेष साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अगर आप स्थान परिवर्तन या घर बदलने का विचार कर रहे हैं या नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन के कार्यों में भी आपको फायदा होगा और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के सामने शेयर न करें। गुप्त रूप से कार्य करने पर आशातीत सफलता आपको प्राप्त होगी। कहीं से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए तरक्की के नए मार्ग खोलेगा। घर की मरम्मत और रखरखाव संबंधी कार्यों में खर्चा बेतहाशा बढ़ सकता है और मासिक बजट भी आपका कमजोर हो सकता है। आपको किसी विदेश से रहने वाले व्यक्तियों से या फिर विदेश से संबंधित कोई भी कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। उपाय के रूप में पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज भाग्य आपके पक्ष में है। कोई राजनीतिक उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है, जैसे समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आमदनी में वृद्धि होगी। सगे संबंधियों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा और इस बात का ध्यान रखें कि आपके रुतबे का या आपके पद प्रतिष्ठा का कोई भी नाजायज या दुरुपयोग बिल्कुल न करे, जिससे आपकी मानहानि भी हो सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ऐसे कार्यों से आपको सावधानी बरतना चाहिए। उपाय के रूप में यदि गाय को रोटी खिलाना तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज कोई नज़दीकी महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न होगी तथा मनोरंजन संबंधी कुछ योजनाएं बनेगी, जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की कोई योजना यदि आप खरीदने की या बेचने की बना रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा फायदा होगा।
किसी भी काम में व्यस्त आप रहेंगे और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छा फायदा होगा। उपाय के रूप में भोजन के साथ मिठाई का उपयोग करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अगर घर में कोई सुधार संबंधी योजना आप बना रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होगा और लाभदायक कार्य आपके द्वारा संपन्न होंगे। धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी उत्तम योग आपके लिए बनने वाला है। मामा पक्ष से आपको फायदा होगा तथा आप जो भी काम करेंगे उसमें भी आपको आगे चलकर के अच्छे परिणाम प्राप्त होने के संकेत प्राप्त होंगे। उपाय के रूप में घर से निकलते समय सौंफ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएगी और जिस काम को आपको करने में बहुत परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, बहुत सी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वह भी आसानी से पूरा हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपको फायदा भी होगा। नए वस्त्र आभूषण जैसी चीज़ों को खरीदने की आपकी योजना बनेगी। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी काम करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी प्रकार से विचार विमर्श करें, उसके बाद ही उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करें और अधिकतम समय आपका घर से बाहर ही व्यतीत होगा। उपाय के रूप में भगवान गणेश जी को यदि आप सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका सफ़ेद होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। समय और दिन व्यस्तता वाला है, परंतु आप अपनी मेहनत के द्वारा अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। बस ये ध्यान रखें कि कोई भी कार्य बिना योजना के न करें। घर में परिवर्तन संबंधी किसी भी कार्य की योजनाएं बनेगी। कहीं से कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा जिससे घर में खुशियां निर्मित हो जाएगी और आपको अपने काम स्वयं को ही करना चाहिए, किसी और के भरोसे बिल्कुल न रहे, वरना आपको नुकसान हो सकता है। उपाय के रूप में यदि आप हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज निवेश संबंधी योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। लाभदायक समय है, इसका सदुपयोग करें। किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। संतान पक्ष से आपको फायदा होगा। धन लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा तथा घर में खुशी का वातावरण निर्मित होगा। आध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों के बीच में यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा कि घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा में तथा उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी न आने पाए। उपाय के रूप में भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका क्रीम होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में समय आपका व्यतीत होगा, जैसे आत्मिक शांति आपको महसूस होगी। आमदनी और खर्च में समानता बनी रहेगी। अगर कोई स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है तो उसमें आपको लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है। कभी कभी बहुत अधिक सोचने और योजना बनाने में उलझे रहने से आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो सकती है और कार्यक्षेत्र में नया अनुबंध या नया काम आपको मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। उपाय के रूप में विष्णु भगवान के मंदिर में या कृष्ण भगवान के मंदिर में मिश्री और तुलसी पत्र चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। संतान से संबंधित कोई काम आपका पूर्ण हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी। पहले भी आपको आगाह किया था कि आप भाइयों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें, क्योंकि उनके साथ कटुता आने की आशंका लग रही है। साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी आपको ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, वरना कर्ज की स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय एक इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
आज सभी काम योजनाबद्ध तरीके से आप करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। करियर के लिए जो संघर्ष आप कर रहे हैं उसमें भी आपको फायदा होगा। कहीं से कोई अचानक खुशखबरी प्राप्त होगी। बहुत सोच विचार करना या बहुत चिंता करना आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप बेसन से बनी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज आप अपने कार्य को सही तरीके से करके अपने लक्ष्य के निकट आसानी से पहुंच सकते हैं। सुख सुविधा संबंधी सामानों की खरीदारी होगी। नया काम नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को चने की दाल का दान करते हैं तो आपका दिन शुभफलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।